मैं हूँ ज़ोई। हेलो, आपसे मिलकर खुशी अच्छा हुई। लगा आपसे तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफी छोटा है, शायद परिवार शुरू करने के लिए बढ़िया जगह ना हो, फिर भी देख लेते हैं। ये अलमारी तो बहुत ही छोटी है, सिर्फ एक बाथरूम और पीछे की जगह सीधे जंगलों से जाके मिलती है, और क्या पता वहां कैसे कैसे जानवर घूम रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आप लैरी का ये विज्ञापन अपने साथ रख सकते हैं जरूरत पड़ी तो। तो दोस्तों, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, सुरक्षित रहना, जिंदगी भर के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अरे बाप रे, ठीक है। ये तुमने क्या पहन लिया? मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं था। तो लैरी ने तुम्हें 2 हफ्तों की छुट्टी कैसे दे दी? नौकरी छोड़ दी। चुप रहो, तुमने ऐसा नहीं किया होगा। मुझे अपने डैड की तरह जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, काम से परे भी जिंदगी है और मुझे बदलाव चाहिए। तो वो नाराज हुआ होगा ना जब तुमने उसे बताया? मैंने असल में उसे अब तक बताया नहीं है। गुड मॉर्निंग। यो यो, ड्रेक रेडी? फिल, क्या हो रहा है? हाइकिंग के लिए अच्छा दिन है ना? आज कितने हाइकर्स है? 5? नहीं, 4। मिस्टर बर्नस्टीन को फ्लू हो गया। काफी बुरा हुआ। हे, तुम पूरे तैयार होके क्यों आए हो? बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, क्या बात है? देखो ड्रेक, मुझे तुम पसंद हो, तुम एक अच्छे प्रशिक्षक हो, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रख सकता, मुझे माफ करना। मजाक कर रहे हो क्या? काफी हद तक मेरी गलती है, मुझे तुम्हें नौकरी पे रखने से पहले तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए थी। हम ऐसा बस नाम के लिए करते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम एक सरफिरे गुनहगार हो। ड्रेक, मैं तुम्हें काम पर और नहीं रख सकता। फिल, देखो, इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मैं अकेला आदमी थोड़ी ना हूँ ड्रेक जैकब्स नाम का, ये कोई गलत फहमी है। माफ करना ड्रेक। फिल, देखो, मैं समझता हूँ, ठीक है, सच में, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। देखो, मुझे ये सफर पूरा करने दो, फिर मैं लौटने के बाद ये गलत फहमी दूर करते हैं, ठीक है? सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा सामान यहाँ से हटाना होगा, मैं कमरा इस्तेमाल करूंगा। फिर बात समझो। देखो, मेरा काम ज्यादा मुश्किल मत करो, समझे? मैं भीख मांगता हूं, देखो तुम ऐसा मत करो ड्रेक। देखो, मेरी माँ वो अस्पताल में है, उसे कैंसर है, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। मुझे तुम्हारा सैटेलाइट फोन, तुम्हारा फर्स्ट एड किट जाने से पहले तुम्हारे बैग में से निकाल कर देना। एक बात कहूं, भाड़ में जाओ। यहां से निकलते हो या पुलिस को बुलाओ? फोन नीचे रख।
मुझसे दूर हटो। ठीक है, बाहर निकलो, मुझसे दूर रहो। मर गए, अब क्या करूं? वैसे तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे पर्स में देखो। यकीन नहीं आता तुम मेरे लिए गिफ्ट ले आई हो। तुम्हें पसंद आएगा। अरे यार, इसके अंदर क्या हो सकता है? काली मिर्च का स्प्रे। वैसे तुम इन लोगों को नहीं जानती, मेरा मतलब तुम अकेली लड़की निकली तो? शायद मैं अकेली लड़की ही रहूंगी वहाँ। एपलशन पहाड़ों पर पैदल सफर करने के लिए कितनी लड़कियाँ तैयार होंगी तुम्हारे हिसाब से? हाँ, एक भी नहीं। हाय, मैं हूं डैन, 10 दिन के हाइकिंग के लिए आया हूं। हाइक कैंसिल हो चुकी है। कैंसिल हो चुकी है? जी, आप पैसे वापस ले सकते हैं या फिर किसी और दिन हाइक पे जा सकते हैं। एक मिनट, मैं सैन फ्रांसिस्को से यहां 10 दिन के हाइकिंग के लिए आया हूं, मैं वापस नहीं जा रहा। माफ कीजिए, वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, फिल ने पिछले हफ्ते ही सब कुछ तय किया था, उसी से बात कर लेता हूं। अरे रुकिए, आपने कहा 10 दिन? हाँ, वो तो अच्छी बात है, वो कैंसिल नहीं है। अच्छा, तो हम जा रहे हैं। hey, मैं हूँ ब्रायन और ये मेरा छोटा भाई सैम। हाय, हम हाइकिंग के लिए आए हैं। मुझे चीज बुला सकते हो? मैं डैन हूँ। मैं हूँ ड्रेक, आप सबका प्रशिक्षक। मैं आप सबका मार्गदर्शक रहूंगा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार भी। रुक जाओ दोस्तों, रुक जाओ, सभी यहां रुको। उम्मीद है आप सब लोग बूट्स और रेनकोट लेकर आए होंगे, मेरी चीजें मत मांगना। ठीक है, हम हर दिन 10 मील पार करेंगे, देखते हैं आप कितना पार कर पाते हैं। ध्यान रहे कोई पीछे ना छूट जाए, ठीक है? तुम्हारी वजह से रफ्तार कम हो सकती है, और याद रहे पैदल सफर खतरनाक हो सकता है, तो मैं चाहूंगा कि सबकी आंखें खुली रहें। हम लोगों से काफी दिन दूर रहेंगे, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी बात मानो, चलते रहो और बेवकूफियां मत करो। क्या पत्रिका में लिखा था कि हमें फर्स्ट एड किट्स मिलेंगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मजे करने वाले हैं, ठीक है? रुको, ये भी हमारे साथ है, ये तो लड़की है। हाय, मैं जोई हूँ, क्या ये पैदल सफर है? अच्छा, तुम लेट हो। हाँ माफ करना, हम रास्ता भटक गए थे। लीजिए। बारबी, तुम्हारा बैग। शुक्रिया। चलो चलते हैं, हमें सूरज ढलने से पहले कैंप साइट तक पहुंचना होगा। हे भगवान, तुम सारी चीजें लाए हो, तो टीवी भी ले आते। मेरे पास लैपटॉप है। हाँ, मुझे लगा ही था। रुक जाओ। हे, तुम कर क्या रहे हो? ओह, देखो वो बहुत महंगा है। पहाड़ों पर चढ़ने के 20 मिनट के अंदर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे। मैं बैठूंगा किस पर? पूरे 90 मील तुम ये सारा सामान लेकर घूमना चाहते हो? इसीलिए तो लाया हूं मैं। ठीक है, चलो, मानना पड़ेगा, अब बेहतर लग रहा है।
ठीक हो? हाँ, यही होता है। 20 साल कंप्यूटर में चिपके रहने के बाद यही होता है। चलो कम से कम काम से छुट्टी तो ले ली, बस काम और जरा भी आराम नहीं है। मुझे लगता था मेरी बीवी को यही पसंद है, ढेर सारा पैसा, अच्छा घर, 2 BMW। फिर योगा टीचर के लिए मुझे उसे छोड़ दिया। ओ क्या करूं, अब मैं उसी के लिए सब कुछ कर रहा था। चलो दोस्तों चलते रहो। छोड़ो पुरानी बातें। मुझे लगा अपना इरादा बदल दोगे तुम। क्यों? पिछले बार जब हम मिले थे तुम उदास लग रहे थे। उस दिन डैड का फ्यूनरल था तो तुम्हारा ग्रेजुएशन कैसा था? वैसे मैं पास हो गया सच में। चलो अच्छा है। मैं तो हाई स्कूल से निकलने के लिए बेताब हूँ। कॉलेज सच में बेहतर होता है, सच में। मुझे नहीं लगता मैं कॉलेज जाने वाला हूँ और पढ़ाई करूंगा। मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं है और मॉम के पास उतने पैसे भी नहीं है, इसलिए मैं नौकरी करूंगा। अरे इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मैंने अपनी डिग्री लेकर आखिर क्या कर लिया। ये क्या है? वो क्या है? अरे बाप रे, वो है क्या? पता नहीं लेकिन ठीक नहीं लग रहा। चीज रुको, क्या कर रहे हो? चीज हे सैम। हे मैं बता रहा हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं। माफ करना, माफ करना। बाप रे, बाप रे, ये हुआ क्या था? लगता है भालू ने हमला किया। कोई बात नहीं, यहाँ के वनपाल लोग आते ही होंगे। ड्रेक, ड्रेक। चलो हमें चलना होगा। चलते रहे मतलब? और उसका क्या, हमें कुछ करना नहीं चाहिए? देखो ये हादसा है, उन्हें मदद मिल जाएगी, हमें चलते रहना होगा। मैं ड्रेक के साथ हूँ, यहाँ से निकलते हैं। हे, हे, क्या वो मुख्य रास्ता नहीं है? मार्गदर्शन के लिए पैसे दिए हैं ना दोस्तों? तुम लोगों को अगर मेरी जरूरत नहीं है तो तुम बाकी पर्यटकों के पीछे जा सकते हो, हम मुख्य रास्ता छोड़ रहे हैं। चलो भालो, हम 5 लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम साथ में हैं तो सुरक्षित हैं। संभल कर नीचे देख कर चलो, जूते भीगेंगे तो परेशानी होगी। बस धीरे चलना, कर सकते हो। माफ करना। अरे बाप रे, मर गए। ये 10 दिन मुश्किल होने वाले हैं। इस तरफ से दोस्तों, चलते रहो। दोस्तों तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हेलो, दोस्तों
हेलो दोस्तों, मैं आ रहा हूँ दोस्तों, मैं आ रहा हूँ। तुम लोगों को वो सारी चीजें दिखेंगी जो मुख्य रास्ते से जाने वाले पर्यटकों को कभी नहीं दिखती। बहुत बढ़िया चीजें। तुम ठीक हो डैन? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं पहली बार इंटरनेट या चलने वाले सेलफोन के अलावा दूर आया हूँ। विज्ञान हमें अपाहिज बनाता है बच्चे। सरकार चाहती है कि हम पूरा दिन उसमें लगे रहे क्योंकि वो हम पर नजर रख सके। वो एक फरेब है। मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत पैसे देता था वो। अच्छा, हाँ। हाल की खबरें देखी? नहीं। खबरें फैल चुकी हैं। निगरानी रखने वाले ड्रोन्स, NSA की खबरें इकट्ठा करना, जासूस सैटेलाइट्स, वो हमारा हक और आजादी थोड़ा थोड़ा करके छीन रहे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये डरावनी बात है। इस जगह को चेरो के नाम से जाना जाता था। यहां रहने वाले इसे पवित्र भूमि समझते थे। घुसपैठियों को मार दिया जाता था। नुनाही, मतलब वो अमर लोग इन पहाड़ों में रहते हैं कहा जाता है। वो यहां के रक्षक हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, और वो चेरोकियों की मदद करते थे। कहा जाता है कि जब चेरोकियों को इस जमीन से निकाला गया तब नुनाही भी यहां से चले गए इसे खाली करके। फिर क्या हुआ? रक्षकों के जाने से इन पहाड़ों पर परछाइयों ने कब्जा कर लिया। इसे गोरों का श्राप भी कहते हैं। ये मजा में डरा रहा है। जंगल की कहानियां, भूत वाली कहानियां, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम लोगों को यहां की प्रचलित कहानियां बता रहा था बस। हमने जो उनके साथ किया वो बुरा था, चिरोकियों के साथ। असल में यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। यूरोपियन लोगों की चीजें उनके लिए हानिकारक थी। सच कहा। अब मैं सोने जा रहा हूँ दोस्तों, कल बहुत कुछ करना है। अच्छा होगा तुम लोग भी सो जाओ। गुड नाइट ड्रेक। क्या कर रहे हो तुम? नहीं, थोड़ा हल्का हो रहा हूँ। तू गांजा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सूंघ सकता हूँ। अरे यार चलता है, मुझे भी थोड़ा चाहिए। सच में? हाँ बिल्कुल, कॉलेज में था तो बहुत सूंघता था। पता है मेरा अपना रॉक बैंड था। हाँ ये पुरानी बात है। चल यार। चल यार। ठीक है ये लो। बहुत कड़क था यार। हाँ ये एक अच्छा गांजा है। आराम से। थैंक्स, मैं ठीक हूँ। हाँ वो क्या था? तुमने कुछ सुना? पता नहीं, शायद। क्या यार ब्रेक, मेरी पैंट गिरी हो जाती। तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हल्के हो रहे थे।
एक साथ। हाँ हाँ चलो, तुम्हें कैंप से बाहर नहीं आना चाहिए था। अंधेरे के बाद ये जगह और खतरनाक हो जाती है। चलो था, खाने के चक्कर में आया था। तो क्या वो चला गया? हाँ वो भाग गया, उसे बस खाना चाहिए था। ये खाना किसने बाहर छोड़ा? हाँ मैंने कहा था सब कुछ रात में पेड़ पे छुपा दो। ब्रेक, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया, जानबूझ के नहीं किया। भालू दोबारा आने से पहले ये साफ कर दो। ड्रेक, कल रात के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं खाना छुपाना भूल गया था, गलती हो गई। बुकर, देखो तुम्हें सतर्क रहना होगा, ठीक है? ये कोई मजाक नहीं है, प्रकृति माफ नहीं करती। मैं तुम्हें पहाड़ी आदमी बना के रहूंगा डैन, वादा है। मैं ये सोच रहा था कि इस सफर में हमारा अलग नाम होना चाहिए। मैं ऐसी एक किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें लोगों के अलग नाम हैं। ठीक है, तुम्हारा नाम होगा गोलगप्पा। बढ़िया है। नहीं नहीं, वैसे वाला नहीं, नहीं जैसे शानदार गिद्ध या खूंखार भेड़िया, ऐसा कुछ। गोलगप्पे वाला भेड़िया कैसा रहेगा? ठीक है चीज, ये भी शानदार है। बचपन में सिर्फ चीज खाता था, इसलिए डैड ने मेरा नाम चीज रख दिया। एक बार तो मैं पूरा ब्लॉक चीज का खा गया था, तो डैड ने मुझे टॉयलेट में बंद कर दिया। देख चुका हूँ, कर चुका हूँ, इससे भी बुरा। हाँ सैम को पहली बार मिलना काफी अजीब था। मेरे डैड का फ्यूनरल था और हम दोनों को नहीं पता था कि उनकी एक अलग ही दुनिया थी। मुझे लगा मैं उनका एक ही लड़का हूँ। अजीब है। तुम उनसे गुस्सा हो, अपने डैड से? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो अब नहीं रहे, मुझे एक भाई मिल गया, सब ठीक है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगा कि हम दोनों को साथ में वक्त बिताना चाहिए। तुम उसके साथ वक्त बिता रहे हो, ये अच्छी बात है। मेरे डैड हमेशा काम में लगे रहते थे, फिर एक दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। मैं ये उनके लिए करना चाहती हूँ और अपने लिए भी। मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि मुझे ऐसी मौत नहीं मरनी, मुझे पछतावा नहीं करना। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। फिर भी मुझे ये सब अकेले करने के लिए 2 साल रगड़ के मेहनत करनी पड़ी है। पर तुम बिल्कुल अकेली तो नहीं हो। क्या हम सही जा रहे हैं? ड्रेक, ड्रेक, क्या हम भटक गए हैं क्या?
नहीं, हम भटके नहीं हैं। तो फिर रास्ता कहाँ है? हाँ, हम जा कर रहे हैं। हे, मेरे पास एक जीपीएस है। बस और आधा मील चलना है, ठीक है? शांत रहो। माफ करना, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम पहले आई हो यहाँ? तो फिर तुम ही संभालो सब कुछ। ब्रेक क्या यार, बस चलते रहते हैं ना। कहते हैं कि चेरोकी लोग इस जगह को स्ट्रॉबेरी के खेत कहते थे, क्योंकि वसंत के समय घास के बढ़ने से पहले यहाँ जंगली स्ट्रॉबेरी पाई जाती थी। क्या यहाँ सांप भी है? हाँ बिल्कुल है। सच में? पैर संभाल के रखना, तुम उन्हें तंग नहीं करोगी तो वो तुम्हें तंग नहीं करेंगे। चलो। इसे देखो, ये यहाँ के लोगों के कब्र की निशानी है, उसे हाथ मत लगाओ। मैंने तुमसे क्या कहा? क्या कर रहे हो तुम? ताज्जुब है, एक गाइड होते हुए तुम्हें नहीं पता, हीरे जवाहरात मानिक ऐसी जगहों पे बहुत कुछ मिलता है। मुझे लगा तुम सिलिकॉन वैली में रहने वाले पढ़ाकू हो। सच है, मैं जियोलॉजी का भी डिग्री होल्डर हूँ। मुझे लगा इस सफर में कीमती पन्ना मैं ढूंढ लूंगा। इसे देखो, ये यहाँ के लोगों का मन का है रखो से। ये कोई मामूली पन्ना नहीं है, ये कुछ अरबी जैसा लगता है, कुछ निशान भी है इसमें। मैंने कहा उसे वापस रख दो। प्रेतात्माओं की कब्र को तंग करना अपशगुन होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से सब कुछ श्राप लगे। चलो, बाकी सब आगे निकल चुके हैं। आ रहा हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पहले कभी आया नहीं है, ये सिर्फ सब कुछ पता होने का नाटक कर रहा है। पता नहीं, मुझे तो उस पर भरोसा है। हाँ, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि हम कहाँ हैं या कहाँ जा रहे हैं। अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो वादा करता हूँ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, सब कुछ ठीक ही होगा, समझी? ठीक है। ड्रेक, हम लोग क्लेमेंस के घुमट तक कब तक पहुंचेंगे? क्या वो जगह जाने लायक नहीं है? वहां पर्यटकों की भीड़ रहती है। मेरे डैड ने कहा था कि यह सफर की सबसे खूबसूरत जगह है, मेरा मतलब मुझे वहां जाना। हम उस तरफ नहीं जाने वाले। असल में सफर पे आने का बस यही कारण था मेरे पास। तुम्हें ये डिज्नीलैंड नक्शे की जरूरत नहीं है, ये मजाक है। तुम क्या कर रहे हो? यकीन करो, तुम काफी अच्छी चीजें देखने वाली हो। नॉक नॉक, क्या तुम ठीक हो?
उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मेरा मतलब है, मुझे नक्शे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे डैड उसे एक जगह पर हमेशा से जाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जा पाए। चलो बाहर आपके पास बैठते हैं। नहीं नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। Ryan? वो बस एक मरा हुआ भेड़िया है, चलो। ऐसा कौन कर सकता है? इसकी आंखें कहाँ हैं? प्रकृति का खेल। मैंने एक बार दो सर वाला बछड़ा देखा था, उसे ऐसे किसने बनाया होगा। चलो जोए, चलो।
हम जाके मजा आया, क्या बात है। मैं तुम्हें तौलिया देता हूँ। ड्रेक कहाँ है? एक मिनट पहले तो यहीं पे था। उसका बैग भी गायब है। ड्रेक, 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 मैं जाके उसे ढूंढती हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। ए भाई, तू कहाँ उसके पीछे पीछे चल दिया? क्या? छोड़। क्या कर रही हो तुम? मैं बस पता नहीं तुम कहाँ चले गए थे, तो अब पता चल गया ना मुझे। हम सबको, डैन को सबके साथ एक फोटो लेनी थी। फोटो? ठीक है, तुम्हें लगा मैं तुम्हें छोड़ के चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब मुख्य रास्ता यहीं पर है। हेलो, कोई है? कोई है यहाँ? लगता है निकलने से पहले इन्होंने सब कुछ सुरक्षित रख दिया था। शायद वो घूमने गए होंगे। हाँ, लगता है सब छोड़कर भाग गए। मुझे लगता है हमें यहाँ रुकना चाहिए, बाकी के लोगों के साथ रहना अच्छा होगा। मैं कहता हूँ हमें चलना होगा। नहीं नहीं, मैं जो के साथ हूँ, मैं थक गया हूँ। जो भी यहाँ रुककर आराम करना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। ठीक है, रुकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई अपना सारा सामान यहाँ क्यों छोड़ेगा?
वो शायद भटक गए हैं या भालू ने हमला किया हो। ऐसी बातें मत करो, अपशगुन होता है। सॉरी दोस्तों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ी देर जाकर सोता हूँ। क्या हुआ? पता नहीं, बहुत तेज सर दुख रहा है। रुको, मेरे पास कुछ है। तुम ठीक हो? हाँ, ये खाके देखो। थैंक्स। हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा आराम करना है। गुड नाइट। गुड नाइट। चीज, ब्रेन को जगाओ, हमें यहां से निकलना है। ये अजीब है, मुझे जरा भी सिग्नल नहीं मिल रहा। जीपीएस यूनिट, वो एक धोखा है, वो तुम पर नजर रखते हैं। हमें कंपास की जरूरत है। दोस्तों ब्रायन ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ उसे? पता नहीं, बहुत बीमार लग रहा है। बाप रे, उसे अकेला छोड़ दो। मैं बस मदद कर रही थी। मत करो। ब्रेन, क्या हुआ तुम्हें? बाप रे, क्या हुआ है उसे? मुझे देखने दो जरा। ब्रायन, ब्रायन, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है उसे? ड्रेक, हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, अभी। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। क्या हुआ उसे? वो बहुत बीमार है। अब हम क्या करें? हम लोग शांति से काम ले सकते हैं, फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन हमें 3 दिन तो लगेंगे। ठीक है, सुनो, मैं मदद ढूंढता हूँ, तुम यही रुको, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या कर रही हो? हाँ,
क्या ढूंढ रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है? कुछ तो होगा। चलो भी। ये क्या है? इंजेक्शन है, नाम की पट्टी निकाली है। इसे देखो जरा, ग्रेजर काउंटर, इसे किसने इस्तेमाल किया होगा? ये पर्यटक नहीं है, किसी खास मकसद से यहां आए हैं। ये मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। तुम लोग यही रुको, मैं मदद ढूंढता हूं। रुको, तुम्हारे पास एक फोन है, मैंने देखा था झरने के पास तुम्हारे बैग में एक सैटेलाइट फोन देखा था। तुम्हें पता है तुम क्या बक रही हो? मुझे फोन दे दो। मैंने कहा कि मुझे वो बंद दे दो है। फोन ड्रेक, हटो पागल लड़की, ये क्या मुझे कर रहे हो? दे दो फोन। ड्रेक इसे छोड़ दो। ड्रेक हट जाओ यहां से। ड्रेक उसे छोड़ दो। अरे सुनो, मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरी आंखें जल रही हैं। ये नहीं चल रहा, हम क्या करें? मैंने कहा था कि वो बंद है। क्या मैं अंधा हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं क्या करती हूँ, उसे तुम्हारा सर फोड़ने देती। ड्रेक के बैग में ये था। क्या ये खून के इल्जाम में जेल जा चुका है? क्या वो ये खूनी है? कोई मेरी मदद करो प्लीज। क्या तुम चुप रहोगे? तुम्हें अच्छे से आंखें धोनी होंगी, पानी से धो दो, पानी डालो। हमें मदद ढूंढनी होगी, नहीं तो ब्रेन मर जाएगा। जोए, फोन चल रहा है क्या? नहीं, वो बंद है। तो हमें मदद ढूंढनी होगी। मैं जाके देखती हूँ, तुम लोग यहाँ ब्रायन के साथ रुको। ड्रेक का क्या? उसे बांधे ही रखो, मेरे आने तक वो ठीक हो जाएगा। हे, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम इस जंगल में अकेली भटकोगी इंसानों की बस्ती ढूंढते हुए, बिना नक्शे के, बिना GPS के, तुम बच ही नहीं पाओगी। मैं अकेला इन पहाड़ियों को अच्छे से जानता हूं। मुझे खोलो। खोल दो इसे।
उठो। ड्रेक, ड्रेक। हाँ, क्या है? हमारे साथ कुछ हुआ है ना? जिस रात हम स्ट्रॉबेरी के खेतों में थे। मुझे याद है, वो एक सपना नहीं था, है ना? नहीं, नहीं था। मुझे लगा किसी को याद नहीं होगा। मुझे तुम लोगों को डराना नहीं था। एक मिनट रुको। क्या चल रहा है यार? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। चिरोकियों का नहीं लगता। मैंने इस जगह के बारे में सुना है। फिल इसे कहता था चेतावनी बिंदु। मुझे पता नहीं था वो सच में होता है। तुम ठीक हो? मैं बहुत बेवकूफ था। मैं अपने भाई के साथ वक्त बिताना चाहता था। देखो, वो ठीक हो जाएगा, वो मदद लाएंगे। देखो चीज, अगर जरूरत पड़े तो उसे एयरलिफ्ट कर लेंगे। मैं कभी हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ा। इसे देखो, ये बहुत कीमती है। सच में? कितना कीमती है ये? शायद इतना कीमती भी नहीं, लेकिन क्या पता हमारे हाथ एक कीमती माणिक लग जाए। अब इसे गौर से देखो। मुझे यकीन नहीं है अमेरिकन नहीं है, कोई अरबी लगता है। रोशनी की तरफ पकड़ो, इसके अंदर कुछ है। अजीब है ना? वो क्या है? कोई तार?
ड्रेक, हम कहाँ हैं? अरे बाप रे, मेरा बैग कहाँ है? उसमें हमारा सारा खाना था। हे भगवान, हमें उसे ढूंढना होगा। मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा सर। रुको, क्या तुमने वो सुना? लोगों की आवाज। पता नहीं ये लोग कब लौटेंगे, लौटेंगे भी या नहीं। जोई, धत तेरी की, हम बस गोल गोल घूम रहे थे, गोल गोल। ब्रायन, हे हे भगवान, तुम ठीक हो? आराम से। हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, यहाँ से निकलकर मेन रास्ते से जाना होगा। दोस्तों, मुझे भी यहाँ से जाना है। नहीं, मुझे वापस पीछे जाना होगा। भूल जाओ, तुम समझ नहीं रहे, मेरा बैग खो गया है। अरे उस कचरे को भूल जाओ, मुझे वापस जाना ही होगा, मुझे मेरा बैग चाहिए। समझने की कोशिश करो, हमें यहाँ से निकलना है। मेरे डैड है वहाँ, समझे? उसमें उनकी अस्थियां हैं और मैं क्लेमेंस के घूमट पर उन्हें बिखेर देना चाहती थी। इस सफर पर आने की बस यही एक वजह थी, मुझे पीछे जाना ही होगा। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। मैं भी, मुझे विश्वास नहीं होता, सच में। मुझे जाने दो। तुम मुझे यहां ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं और नहीं चल सकता, मैं आराम कर रहा हूं। बचाओ! सैम, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, मुझे बस यहां से उतारो। हाँ रुको, बाप रे डैन, तुम्हारी गलती नहीं है। जोई, जोई,
क्या है? चलो चलते रहो, यहाँ हम सुरक्षित नहीं। ब्रायन, चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो भी, चलो ठीक है। रायन, नहीं नहीं ठीक है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ रायन। जोई, जोई उठो, ब्रायन कहाँ है? क्या क्या ब्रायन, 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 चीज तुम्हारी गलती है, अगर तुम्हारे पीछे नहीं आते तो यहाँ से निकल चुके होते। नहीं मैं, तुम जानती थी यहाँ खतरा है, फिर भी तुम यहाँ हमें लेके आई, वो भी अपने मरे हुए बाप के लिए, क्या मजाक है। मेरा एक ही भाई था, तुम्हारी वजह से मरा है वो। चीज दूर रहो मुझसे प्लीज। मुझे माफ कर दो, मैं वापस आऊंगी, वादा करती हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर देखो। क्या है वहाँ? जाओ और खुद ही देखो। तुम क्या करने वाले हो? मैं, मेरी तरफ देखो, मैं कर क्या सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो करो, लेकिन लगता है कि शायद तुम जो ढूंढ रही थी वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझसे दूर रहो तुम ड्रेक। अब मैं बस मदद कर रहा हूँ। ये मजाक नहीं है, हट जाओ पीछे। जाओ देख लो। पहले तुम। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती बार्बी। मैं पहले से ही मर चुका हूं। अजीब है ना? ये सब क्या है? पहले तो मुझे लगा कि ये कोई सोने की खान है, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकता। सारा सामान यही था, हमारे हाइकिंग का सामान। ये सब किसने किया? तुम जानती हो, इसे देखो। ये तो कैंप साइट पर भी था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्हें हमारी हर चाल के बारे में पता है, क्या तुम देख नहीं सकती? वो लोग यहां सदियों से हैं, हम पर नजर रख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं। वो लोग वो भी देखते हैं जो हम देखते हैं। हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, जैसे भी रहते हैं, उन्हें सब दिखता है। देखो। हे भगवान, मेरा बैग। कैसे? हमारी आंखें, वो हमारी आंखों का इस्तेमाल हम पे नजर रखने के लिए करते हैं। ड्रेक, तुम जानती हो कि मैं सच कह रहा हूं। तुम भी वहां थी, याद है? हम बीमार पड़ गए, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम और चीज, तुम दोनों बीमार नहीं पड़े, क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे तुम्हारी आंखें देखने दो। नहीं, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है। मुझसे दूर रहो तुम। मैं उन्हें मेरे अंदर महसूस कर सकता हूँ, जैसे कोई पराई चीज, जैसे कोई जहर, लेकिन मैं उन्हें मेरे साथ ये नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ। नहीं।
डरा दिया मुझे। यही सोच रहे थे कि तुम आओगी कि नहीं। क्या क्या ये तुम्हारा है? नहीं, ये मेरे दोस्त का है। वो 17-18 साल का है। क्या तुम लोगों ने उसे देखा? नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। कल जब हम यहाँ पहुँचे तब बस ये टेंट देखा। हम वहाँ ठहरे हैं। चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। नहीं शुक्रिया। क्या आप लोगों को मुख्य रास्ता पता है? हाँ, बस कुछ ही मिनट दूर है यहाँ से। बहुत नजदीक है। ठीक है, शुक्रिया। क्लिंगमैन की हवेली यहाँ से 3 मील ऊपर की तरफ है। हाँ? Ciao!